यशोमती मैया के नंदलाला। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव, तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपकी आधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, बस एक विनती है मेरी। शर्त को विनती का नाम देकर बहलाना चाहते हो मुझे यमराज? असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ, इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसका आभास है मुझे असुरराज, पर मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा। मेरे पुराने स्वामी के क्रोध से मेरी रक्षा करनी होगी आपको। कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायण। पर छोटी माँ, मूरा असुर को तो श्री नारायण से भी रक्षा का वरदान प्राप्त था ना? यही तो श्री नारायण की लीला थी बलराम, पर वो राक्षस अपने दम में जे समझ ही ना पाओ कि वो क्या भूल करने जा रहे है। अब पहुंच गए भगवान श्री नारायण को चुनौती देने के लिए। वही ठहर जाओ असुर राज मोरा। यहाँ क्यों आए? आपको पराजित करने और ये वैकुंठ जीतने, ताकि मैं यमलोक का स्वामी बन सकूं। फिर आओ, युद्ध भूमि में मेरा सामना करो। ये नहीं जानते कि इनसे ना हारने का वरदान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए उससे पहले ही इन्हें जीत लूंगा मैं। और इस प्रकार जे युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता रहो, दोनों योद्धा पूरे ब्रह्मांड में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे। फिर क्या हुआ मैया? उस युद्ध को कभी समाप्त हुआ हो? पर कैसे? शीघ्र ही वो राक्षस थक गौ लल्ला। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं नारायण? आक्रमण कीजिए, वध कर दीजिए मेरा। मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, इसलिए इतनी थकान की स्थिति में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमण नहीं करूंगा। जाओ विश्राम करो, यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा। जे कह के श्री नारायण बद्रिका आश्रम चले गए।
और वहां हिमवत नाम की एक कंदरा में ध्यान लगा के बैठ गए। उधर वो राक्षस विश्राम करने लगो। अनेकों दिन बीत गए और अब वो राक्षस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था। उसने अपनी सारी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी। श्री नारायण ने उस पर दया करी थी, पर वो फिर से श्री नारायण को छलने को तैयार होगा। ध्यान में बैठे बैठे श्री नारायण योग निद्रा में चले गए, पर दुष्ट मूरा इसी अवसर का लाभ उठा के उनकी कंदरा में घुस आयो ताकि वो सोते हुए श्री नारायण पे आक्रमण कर सके। आज इस लंबे युद्ध को जीतकर अपने इस अंतिम शत्रु का भी अंत कर दूंगा मैं। दुष्ट राक्षस, प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे संभलने का अवसर दिया, तू इन्हीं पर ही छल से वार करने चला है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, ब्रह्मा का वरदान है मुझे। तूने नारायण से अपराजय होने का वरदान मांगा था मूर्ख, उनकी शक्ति से नहीं। ध्यान से देख, मैं तेरी मृत्यु हूँ। मृत्यु देवी कौन थी छोटी माँ? और कौन बलराम, वो ही तो थी देवी एकादशी। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्षमा नहीं, आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी। असुर राज को मारकर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है। इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने। आप एकादशी की तिथि पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन्न एकादशी के नाम से जानेंगे। सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमण से मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जो आपकी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन, सिद्धि और मोक्ष। इसीलिए आज के दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से एकादशी का महत्व भी पता चल गो और मेरा व्रत भी सफल हो गो। अभी नहीं भुला रहा,
एकादशी का व्रत पूरी तरह तभी सफल होता है जब द्वादशी के दिन उसे पूरा किया जाता है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है। बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी है। अभी उन्हें किसी और राक्षस को यहाँ भेजने से रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। बचपन से ही मुझे मारने का सपना देख रहे हैं, फिर मुझे ही नहीं पहचानते। बचपन से विष्णु अवतार, कई काना बुलाता है तो कई मुरलीधर पुकारता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कहता है चित चोर, पर विष्णु अवतार इस नाम से तो बस आप ही मुझे बुलाते हो मामा जी। इतना साहस, ये तो यहाँ आ गया है। यहाँ आ तो गया तू विष्णु अवतार, किंतु यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा मैं। मामा जी, आप सदैव इसी तरह क्रोध में रहते हो क्या? छोड़, छोड़ मेरी तलवार को। छोड़ो तो तब पकड़ा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.